आज मैं बना रही हूँ हेल्दी ओट्स स्मूदी। इसमें मैंने चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है और इसको आप वज़न कम करने के लिए बना करके पी सकते हैं। तो यह रेसिपी दो लोगों के लिए है। यहाँ पर मैंने 300 ml के करीब दूध ले लिया है और दूध को अच्छे से उबाल ली है और ये अभी उबला हुआ दूध है। इसमें मैं एक बोल, मतलब छोटा सा बोल है, आप चम्मच में लेंगे तो एक लोगों के लिए 2 चम्मच ओट्स इसमें भिगोने के लिए रख दीजिए। तो अभी इसको हम ढक्कन लगा देंगे और 10-15 मिनट के लिए इसी तरह से रख देंगे। तो देखिए अभी 10 से 15 मिनट हो चुका है और ओट्स हमारा अच्छे से भीग चुका है इसमें दूध में। अभी एक ग्राइंडर जार लेंगे और यहाँ पर मैंने 7 से 8 बादाम ले ली है और 7 से 8 काजू। इन दोनों को मैंने 2 घंटे के लिए पानी में भिगोने के लिए रख दी थी और बादाम का छिलका हटा लिया है और यहाँ पर एक एप्पल को काट करके मैंने ले ली है। अभी इसमें हम 1 कप के करीब अंगूर डालेंगे। ये देखिए हरा अंगूर है। हरा अंगूर 2 तरह के होता है, एक खट्टा और एक मीठा। तो इसमें सीडलेस है और मीठा अंगूर है और यहाँ पर मिठास के लिए हम 2 चम्मच के करीब शहद डालेंगे। तो देखिए अंगूर जो है आपको मीठा ही लेना है और सीडलेस लेना है। अगर अंगूर खट्टा हो तो इसमें ना डालें, आप चाहे तो इसमें काला अंगूर भी ले सकते हैं। अभी इसमें मैंने भिगोया हुआ जो ओट्स था इसमें डाल दूंगी। अभी इसको हम थोड़ा सा पतला करेंगे इसलिए और 1 कप इसमें मैं दूध डाल रही हूँ। ये दूध जो है ये भी उबला हुआ दूध है, आप चाहे तो इसमें गर्म या फिर ठंडा कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब सब्जा सीड ले ली है और इसको 1/2 कप पानी में 10 मिनट के लिए भिगोने के लिए रखेंगे। 10 मिनट के अंदर ये अच्छे से फूल जाता है। तो देखिए 10 मिनट के बाद इस तरह से फूल चुका है। अभी हम इसमें एक सर्विंग ग्लास में मैं डाल रही हूँ सब्जा सीड 1 चम्मच। ये जितना भी क्वांटिटी है ये 2 लोगों के लिए है। तो अभी हमारा जो स्मूदी है इसमें डालूंगी मैं और इसको हम सब्जा सीड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं और अगर थोड़ा सा रिच करना चाहे तो केला डाल सकते हैं, पके हुए केले। अभी ऊपर से हम बादाम या फिर पिस्ता से इस तरह से डेकोरेट कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसको आप वज़न कम करने के लिए ये रेसिपी बनाएं। आपकी रेसिपी कैसा बना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लाइक करके सब्सक्राइब करें।